जस पंजाबी दे सूझवान दर्शकों का मते गुरमते अते हुकमनामे प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है। खालसा काल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। गुरु कलगीधर पिता ने खालसे नू काल पुरख की फौज कहा है। इत्थे अकाल पुरख लफज नहीं है, लफज है काल पुरख की फौज। गुरमत दे अनुसार काल और अकाल इस विच कोई अंतर नहीं। अकाल पुरख जदों सृष्टि विच विचरदा है, जदों इतिहास विच विचरदा है, तां ओ फिर काल पुरख दे रूप विच आंदा है। निर्गुण स्वरूप ते सरगुण स्वरूप ये वाहिगुरु दे रूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने दिते हैं। एक ही काल अकाल सदा है। काल पुरख की देह में कोटक विशन महेश। हजूर फरमाते हैं, जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सबे काल ही चबाहेंगे। काल ही सृजन कर सृजनहार है, काल ही सृजना करन वाला है, काल ही बनाण वाला है, काल ही सृष्टि नू पांदा है ते काल ही उसका नाश करता है। काल के बनाए सबे काल ही चमाहेंगे। तेज ज्यों तेज मैं तेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सबे ताही में समाहेंगे। ए जो फलसफा दिता गुरु कलगीधर पिता ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने, और उसका जो निचोड़ सी, जो उसका नतीजा सी, वो ए सी खालसा काल पुरख की फौज। ये खालसा उस काल पुरख जां अकाल पुरख की फौज है। फौज का कम हुक्म मनना है। हुक्म उस अकाल पुरख का, वो अकाली ओ इलाही ओ नुरानी हुक्म जिसका खालसा पाबंद है। अक्टर लोनी नू जदों मुलाकात हुई, जिस वेले सरदार रतन सिंह पंगू ने और जेड़ी गल उन्होंने कही वो भी यही गल सी। उन्होंने कहा सी, खालसा होवे खुद खुदा, जिम खूबी खूब खुदाए, ईन ना मन्ने आन की एक सच्चे बिन पातशाह है। खालसा एक अकाल पुरख दी ईन मनदा है, उस दे हुकम दा पाबंद है। गुरु साहब ने बख्शिश की थी, जिस खालसे नू उन्होंने हुक्म दिते उस दे हुक्म दी पालना उन्होंने खालसे नू करन दा आदेश भी दिता। खालसे नू ही अधिकार मिल गया कि ओ भी गुरु दी मत दे अनुसार, गुरमत दे अनुसार, गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया, गुरु ग्रंथ साहिब दे आदेश मुताबक ओ भी हुक्म जारी कर सकता है। और ओ हुक्म भी हुक्म नहीं, हुक्मनामे होणगे। समय समय दे उत्ते कौम ने सदकार दा अपने आप दे उत्ते इस्तेमाल भी कीता, इस अधिकार नू उन्होंने लागू भी कीता। पंथ दी सर्वोच्च संस्था, पंथ दी नुमाइंदा संस्था, जिहड़ी के किसे व्यक्ति दे इच्छा दे उत्ते नहीं, बल्कि कौम दी पूरी जदोजहद, कौम दियां बड़ियां घालणा, कौम दियां बड़ियां कुर्बानियां दे बाद वो जिहड़ी संस्था होंद विच आई, और जिसका असी रोज़ याद करके उसका जयकार करते हाँ, उसका गुणगान करते हाँ, जिन्हां गुरद्वारा सुधार लहर की खातर शहीदियां पाईयां, गंगसर, जैतो जी, पंजा साहब, ननकाणा साहब अते होर कितने ही बेअंत थावां दे उत्ते वो जिहड़ियां कुर्बानियां होईयां, उसका नतीजा सी एक आदेश, एक असूल, एक निर्णा कौम दा कि गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू प्राप्त होए। एक सिद्धांत सी कि गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दा दान खालसा जी दे कोल होना चाहिए। खालसा केड़ा है जिस दी परिभाषा गुरु साहब ने खुद दे दित्ती है, जिस दे विच कोई दुविधा नहीं है, जिस विच कोई शंका नहीं है, जिस विच कोई लेश मात्र भी किंतु परंतु नहीं है।
खालसे का अधिकार है गुरद्वारियां दी सेवा संभालदा, खालसे का फर्ज है कौमी राजनीतिक समाजिक तौर दे उत्ते हुक्म जारी करन दा, हुक्मनामे जारी करन दा। आम तौर दे उत्ते समाज दे विच जो कुछ वापरदा है, समाज दे मुखी, समाज दे आगू या जेड़े इस तंत्र नू चलांदे हन, उन्हां दे जीवन दा असर आम लोकां दे उत्ते जरूर पैंदा है। इसलिए अज जेड़े असी कुछ मते और गुरमते जो पंथ ने पारित कीते सन, असी उन्हां दा जिक्र करांगे जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पास कीते सन। एक मता तां सी सिख आगू, उन्हां दी दिख, उन्हां दा किरदार, उन्हां दा चेहरा मोहरा और उन्हां दा व्यवहार किस तरह दा होना चाहिदा है, ये बहुत अहम है। पुराने रिकॉर्ड, पुराने दस्तावेज, पुराने मते, पुराने हुक्म देखण दा मकसद केवल उन्हां दे उत्ते नज़रसानी नहीं करना हुंदा, बल्कि उसका मकसद, असल मकसद हुंदा है उन्हां नूं देख के फिर एक तय करना, एक पैमाने दे उत्ते रख के कि अज असी कित्थे खड़े हाँ, कि सानू जरूरत है अपने विच कुछ सुधार करन दी, या असी भी चादर लै के गूढ़ी नींद सौ जाइए। उन्हां मतियां दे उत्ते देख के तां ही फिर उन्हां ते नज़रसानी करके अमल करन दा प्रबंध, उस दी प्रक्रिया उस तों शुरू हुंदी है। असी ओ मते, कुछ अहम मते हन जो कि देखण विच भी अज सानू कुछ ओपरे जिहे लगणगे कि की कौम इस तरह दे मते भी पास कर सकती है। दूसरा है सचखंड श्री हरिमंदर साहब, जो साडे लई सब तों पवित्र स्थान है। हर सरकार, हर सभ्य समाज दे विच जो उसकी पवित्रतम जगह है, उस दे नां दे उत्ते वपारक अदारे या होर को सभा सोसाइटियां नहीं हो सकदियां, पर देखण विच आया है सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे नां दे उत्ते भी वपारक अदारे और वक् वक् सभा सोसाइटियां बनियां हन। इस दे बारे हुक्म जो मता है उस दे बारे असी विचार करांगे। तीसरा है गुरु गोबिंद सिंह साहब दे शस्त्र, उन्हां दी कलगी, उन्हां दे श्री साहब महाराजा रणजीत सिंह, सिख राज दीयां निशानियां जो कि सिख राज दी समाप्ति दे उत्ते जो गवर्नर जनरल सन लॉर्ड डलहौजी, वो अपने नाल लै गए सन। हुण दी गल नहीं, ये उस वेले तो पुरानी गल है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बार 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 इस दे बारे मते पास कीते हन। असी उन्हां बारे भी जिक्र करांगे ताकि जिहड़े साडे मौजूदा आगू हन उस तो सेध लै सकण और उसकी कोई चाराजोई कर सकण, कोई उसका उपचार कर सकण, ताकि वह जिहड़ी कौम की अमानत है वह कौम तक पहुँच जाए। पहला जिहड़ा मता है, जिवें असी जिक्र किया, ये गुरमता असी आप नूं दिखाना भी चाहवांगे। यह है 25 अक्तूबर 1984 का, यह गुरमता, इस दे उत्ते गुरमता है जो कि श्री अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा है और इस दे उत्ते लिखिया है अज मिति 25/10/1984 नूं पंज सिंह साहिबान की एकत्रता विच सर्बमिति सम्मति नाल फैसला किया गया कि श्री हरिमंदर साहब ते श्री दरबार साहब के नाम ते कोई सभा जा सोसाइटी नहीं बनाई जा सकती। जो सभा सोसाइटी हुण तक उक्त नावां हेठ कायम हन उन्हां नूं भंग किया जाता है। इस नाम दियां सारियां सभा सोसाइटियां तुरंत ही अपने नाम बदल लैण। सरबत संगतां नूं सूचित किया जाता है कि उन्होंने श्री हरिमंदर साहब अते श्री दरबार साहब की सेवा लई जो माया भेजनी होवे उह सीधे ही मैनेजर श्री दरबार साहब श्री अमृतसर के नाम से भेजण की कृपालता करन। उपरोक्त मौजूदा सभा सोसाइटियां नूं श्री दरबार साहब जां श्री हरिमंदर साहब के नाँ ते बिल्कुल ही माया ना देन। इस दे उत्ते पंज सिंह साहिबान दे दस्तखत सन जो उस वेले दे सिंह साहिबान सन, ज्ञानी कृपाल सिंह जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सिंह साहब, ज्ञानी साहिब सिंह हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब,
ਗਿਆਨੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਜੋ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਮਤੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਕਫਾ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਮਾਨੀਅਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰਮਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੀਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਸਦਾ ਆਚਾਰ, ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਫਜ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਐਪੀਅਰੈਂਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਗੱਲਬਾਤ, ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਸੀ, ਦਲੀਸ਼ਵਰੋ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੋ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੀਂਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ।
ये राजे जेड़े के सिख सुल्तान सन, सिख राजे सन, सिंघां दीआं कुरबानियां दे नाल इन्हां दा राज कायम होया। और भावे ओह सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया होण, जस्सा सिंह आलूवालिया होण, या बाबा आला सिंह होण, इह सारे सिंघां दी बदौलत इन्हां नूं राजभाग प्राप्त होया। और इस दा इन्हां नूं अहसास भी सी। और जिस तरीके दे नाल पुराने इतिहास विच जिक्र आंदा है, इन्हां ने अपने सरूप नूं कायम रखण लई कुरबानियां भी कीतियां। पर हौले हौले तपो राज, राजो नरक वाली जिस तरह हालत हुंदी है, कई महाराजे अपना सिखी आचरण और सिखी किरदार कायम नहीं रख सके, या उन्हां नूं नहीं रखण दिता गया। जिसका सब तो वड्डा हवाला है महाराजा दलीप सिंह, जदों अजे बचपन 6 या 9 साल की उम्र सी, छोटी उम्र दे विच ही उन्हां नूं लेडी लॉगिंस की देख रेख दे विच कलकत्ते पहुँचा दिता गया। और यूपी दे एक ब्राह्मण उन्हां दी देख रेख विच उन्हां दी परवरिश की गई। और उस दे बाद कैथेड्रल दे विच उन्हां नूं ईसाई बना दिता गया। 9 साल दे बालक दलीप सिंह नूं, और उस वेले लेडी लॉगिंस दी रीकलैक्शंस दे विच लिखिया है कि जदों उस नूं बच्चे दलीप सिंह नूं जदों उन्हूं ईसाई बनाया गया तां उस वेले सारियां दे चेहरे गमगीन सन। पर उन्होंने एक गल लिखी है कि महाराजा दलीप सिंह दे उन्होंने केस नहीं कतल किए। ईसाई बनाण दे बावजूद भी उन्होंने उसकी रंग बिरंगी दस्तार उसके सिर दे उत्ते रहन दित्ती। एक साल दे बाद उसके केस कतल किए गए। और उस वेले लेडी लॉगिंस ने लिखिया है, एक छोटा जिहा लफ्ज़ है कि अज दलीप सिंह दा गुरु नानक नालों रिश्ता टुट गया है। ये रिश्ते की तंद, ये रिश्ते की कड़ी उसका साबत सूरत होना सी। बदकिस्मती दे नाल पंजाब दियां ओ रियासतां जिन्हां नूं गुरु की बदौलत ये सब कुछ प्राप्त होया सी, बिल्कुल इन बिन इस तरीके दे नाल टिक्का प्रताप सिंह, टिक्का दा लफ्ज़ हुंदा है क्राउन प्रिंस, जिन्हां ने राजा बनना है उन्हां नूं टिक्का साहब कहा जाता है। टिक्का प्रताप सिंह वह भी बचपन छोटे सन, बालक सन, उन्हां नूं भी अंग्रेज़ां ने अपने हिफाजत विच लिया और उन्हां नूं भी इंग्लैंड लै गए और उत्थे उन्हां नूं पतित कर दिता गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना फर्ज संभालिया, अपना फर्ज पछाणिया, और जिहड़े उन्होंने मते पास किए वो आप तक जरूर दसने चाहवांगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फर्ज सी, उन्होंने उसके उत्ते आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की। पर उन्होंने उत्ते आवाज़ बुलंद करन वाले की अज अपने दुआले भी वेखणगे, असी अपने आप के उत्ते भी झात मारांगे, असी अपने अदारियां बारे या अपनियां संस्थावां बारे भी कदी कोई गल करांगे। सो वो जिहड़े मते हन वो आप तक असी जरूर चाहवांगे दसने। सब तो पहला मता 10 मार्च 1938 का है। ये मता श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल इजलास विच पास किया गया। और इस विच लिखिया गया, सिख राजा पतित नहीं होना चाहिदा। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह समागम सरकार हिंद पर जोर पाता है कि वह नौजवान महाराजा नाभा के केस हुक्म दे के रखावे, क्योंकि अजे तक यह नौजवान शहजादा सरकार हिंद की सपुरदगी विच है। इस समागम सरकार हिंद पर जोर पाता है कि अगे लई पटियाला, नाभा, जींद, फरीदकोट, कपूरथला कलसियां दे तख्त पर कोई केसहीन ते गैर अमृतधारी तख्त नशीन ना होवे, अते तख्त नशीन होण उपरंत पतित हो जाण दी शकल विच ओह तख्त ते ना रह सके। ए जो मता सी, और इस विच चौंके महाराजा नाभा दा
और पटियाले का जिक्र भी आया सी, इसलिए दो मैंबर सन पटियाले दे और नाभे दे, उन्होंने इसकी विरोधता तो ना की पर उन्होंने इस दे उत्ते वोट नहीं पाई। उदे विच लिखिया है सरदार आत्मा सिंह जी पटियाला अते सरदार नारायण सिंह जी नाभा ने नोट करवाया कि वो उस मते ते नॉन वोटिंग हन। इस दे बाद बिल्कुल इसे दी ताईद या प्रोड़ता करदिया होया दूसरा मता जो है वो 30/11/1940 नू श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल इजलास विच पेश होया और जिस विच लिखिया कि प्रवान होया कि सारे सिख रियासतां दे महाराजे अमृतधारी सिख होने चाहिए हन ते कोई पतित सिख रियासत दी पतित सिख रियासत दी गद्दी ते नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एकत्रता पंथ पास अपील करती है कि इस आवाज़ नू जारी रख्या जाए अते नाल ही एकत्रता अंतरंग कमेटी नू इस सिलसिले विच मुनासिब कार्रवाई करन दा अधिकार दिंदी है। तीसरा मता 3 अप्रैल 1940 का है जिस विच ये लिखा गया कि सब तो पहला प्रधान साहब ने अज की उचेची एकत्रता सदे जाण दा मंतव दसिया कि टिक्का प्रताप सिंह नाभा जो इंग्लैंड विच सरकार की सरपरस्ती हेठ विद्या प्राप्त कर रहे हैं वह पतित होकर वापस मुड़े हैं ते उन्हां नूं नाभे दी राजगद्दी ते शीघर ही बिठाए जाण दी तजवीज़ है। इस तो पहले भी कुछ सिख रियासतां दे महाराजे पतित हो चुके हैं पर कई कारणां करके पंथ इस बीमारी नूं रोकण वल पूरा ध्यान नहीं दे सकिया। हुण इह चीज़ सिखी लई इक सख्त खतरा बनदी जा रही है। सिख रियासतां ठीक सिखी दा इक अंग हन। महाराजियां दे पतित हो जाण नाल रियासती प्रबंध विच सिख अंसर कट रहा है। इस चीज़ नूं हुण वी ना रोकिया गया ता सिखी नूं इक सख्त सट वजेगी। इस अत जरूरी मसले ते विचार करन लई अज दी एकत्रता सद्दी गई है। इस तो उपरंत यह मता जो है इन्होंने पास किया ते एक होर मता जो 1 मार्च 1939 नूं भी पास होया सी कि श्रोमणी कमेटी का जनरल समागम सरकार हिंद पर जोर दिंदा है कि रियासत नाभा दे महाराजा प्रताप सिंह नाभा सरकार हिंद की रक्षा विच हन, सरकार महाराजा साहब दे केस रखाए ते उन्हां नूं तद तक तख्त पर ना बिठाए जब तक वो केस रख के खंडे दा अमृत ना छक लैण। होर भी इस तरह दे मते सन। महाराजा दलीप सिंह नूं भी जदों ईसाई बनन तो बाद काफ़ी चिर बाद जदों जवानी विच आए उन्होंने अपना पिछोकड़ देखिया, उन्होंने अपना सारा विरसा देखिया और उस दे बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी पंजाब विच खालसा जी नूं और उस दे विच खालसा जी नूं मुखातब करके उन्होंने एक बेनती की कि जदों मैं गुरु का धर्म छड़िया सी मेरी उम्र बहुत छोटी सी, मैनूं कुछ नहीं सी पता, तुसी कृपा करो मैनूं मुड़ गुरु पंथ विच शामिल करो, मैं आई एम योर फ्लैश एंड ब्लड, ये उन्होंने उस चिट्ठी दे विच लिखिया। और इस दे बाद सरदार ठाकर सिंह जी संधावालिया ए अदन विच गए और उत्थो पंज प्यारे उन्होंने तैयार करके दलीप सिंह महाराजा नूं उन्होंने अमृतपान करवाया। उस दे बाद फिर लंबा इतिहास है कि उसनों कायम रख सके नहीं रख सके किवें होया वो वक्रा है। पर इन्हां मतियां तो इन्हां गुरमतियां तो एक चीज़ स्पष्ट हुंदी है कि खालसा चेतन सी, साडे बजुर्ग चेतन सन और चेतनता एक होर मते तो जाहिर हुंदी है जिहड़ी कि 27 फरवरी 1943 नूं एक मता जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जनरल इजलास ने पास किया वो सी कि ज्ञानी शेर सिंह जी दी दा ने हेठ लिखिया मता पेश किया जिसकी ताईद मग्गर सिंह जी ने की ते मता सर्बसम्मति नाल पास हो गया। वो मता की सी ए समागम महाराजा साहब पटियाला पासों मंग करता है कि वह सिख हन ते उन्हां दा सनातन धर्म सभा पंजाब दा प्रधान रहना असूल विरुद्ध है ते सिक्खी लई सख्त नुकसानदेह है। कोई सिख
सनातन धर्मी नहीं हो सकता, इसलिए कृपा करके इस अहुदे तो फौरन अलहदा हो जा। भाई मंझ नूं जिस वेले गुरु साहब ने पूछा सी तो की है, तो कह लगा सी मैं सरवरिया हाँ, मैनू सिखी की दात दो। गुरु अर्जन साहब ने कहा सी सिखी तो सिखी नहीं टिकती, सिख किसी एक दा हो सकता, दो दा नहीं हो सकता। इमारत धरती दे उत्ते जमीन दे एक बन सकती है, उसे जमीन दे दो इमारतां नहीं बन सकदियां। सो ये कुछ मते सन, हुण समा है एक ब्रेक दा। तुसी सानू कॉल कर सकते हो 7187865221 दे उत्ते और अपने विचारां नाल सानू अवगत करा सकते हो। सो एक ब्रेक।